वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम बनाएंगे कैरी और बेसन से बहुत ही टेस्टी रेसिपी। बनाकर चलिए तैयार करते हैं। देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमने लिया है बेसन। बेसन हमारा 500 ग्राम है। इसको हमने अच्छे से छान लिया है क्योंकि बरसात के सीज़न में हमें बेसन मैदा वगैरह ये सब बगैर छाने नहीं यूज करना चाहिए। भले ही हमारा ये बेसन पैकेट वाला है, फिर भी हम इसको अच्छे से छन्नी की सहायता से छान लिए। यहाँ पर हमने लिया जीरा, लहसुन, अदरक का पेस्ट बनाकर तैयार किए हैं। और यहाँ पे हमने लिया है कैरी। बेसन का हम चलिए घोल बनाकर तैयार करते हैं। इसको हम इसका हम पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पे हमने 2 कटोरी बेसन अभी यूज करना है। यहाँ पे हमने बेसन ले लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, खड़ा जीरा इसमें अच्छा लगता है, इसमें हमने डाल दिया है खड़े जीरे। और यहाँ पर डाल दिए हैं हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। और इसको हम बस इसका हम बनाएंगे पेस्ट। यहाँ पे हमने 1 चम्मच जो मसाला पीस के रखा था ना, वो मसाला भी हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लहसुन, अदरक, जीरा, थोड़ी सी खड़ी धनिया, ये सबका पेस्ट बनाकर तैयार किए थे कच्चे मसाले। और हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई मसाले, गर्म मसाले वगैरह का यूज नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए हम इसका अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने लिया करी पत्ता। करी पत्ता को हम इसमें ऑयल में फ्राई करके बाहर कर ले रहे हैं। बहुत अच्छे से हमारा करी पत्ता फ्राई हो जाएगा तो हम इसको बाहर कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने डाल दिया मेथी दाना। इसके बाद मेथी दाना चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड डालेंगे, राई का दाना। और यहाँ पे अब हम डालेंगे जो हमने मसाला का पेस्ट बनाकर रखा था ना, वो लहसुन अदरक का, वो पेस्ट हम यहाँ पर यूज कर देंगे। और यहाँ पर अब हम डाल दिए हैं हल्दी पाउडर। इसको भी हम भूनने के बाद, मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया कैरी। कैरी को भी 2 से 3 मिनट तक भून ले रहे हैं। इसके भूनने से क्या होता है कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है भूनने से। और अब हम यहाँ पे जो बेसन का घोल तैयार करके रखे थे उसको भी हम इसमें डाल देंगे। हमने बेसन का घोल भी इसमें ऐड कर दिया है। और इसको थोड़ा, अभी हमारा घोल बहुत मोटा है ना, इसलिए हम इसको थोड़ा पतला करेंगे। अभी हम यहाँ पे पानी का और यूज करेंगे। पानी का यूज कर लिए हैं। देखिए अभी ये अपने आप ठीक हो जाएगा, पकते पकते आराम से पक रहा है। बिल्कुल मीडियम आंच पे हम इसको पका ले रहे हैं। अब इसके बाद जो हमने करी पत्ता फ्राई करके रखा था ना, उसके डंठल निकाल दे रहे हैं। और इसको हम अच्छे से क्रेस कर लेंगे क्योंकि ये जो हम खड़े पत्ते का यूज कर देते हैं तो बच्चे हमारे नहीं खाते, उसको बाहर कर देते हैं और वो बड़ों के भी मुंह में फंसता है तो वो अच्छा नहीं लगता उसका टेस्ट। इसलिए हम इसको पेस करके डालेंगे तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। और इसको हम देखिए अच्छे से तोड़ ले रहे हैं सारे पत्तों को। बिल्कुल इसका बिल्कुल अच्छे से हम इसको प्रेस कर ले रहे हैं आराम से। अब इसको हम पेस्ट में डाल देंगे जो हमने घोल बनाकर तैयार किया था। ये हमारी कढ़ी आराम से पक रही है बिल्कुल मीडियम आंच पे, हम इसको पका रहे हैं। अब इस पर हम डालेंगे जो हमने पकौड़ियाँ बनाकर रखी थी ना, वो हमने पकौड़ी भी इसमें यूज कर ली है। यहाँ पे हमने डाल देंगे पकौड़ी। पकौड़ी को भी अच्छे से 2-3 बॉयल आने तक। अब लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे नमक। पकौड़ी में हमने थोड़ा सा नमक यूज किया था जो हमने घोल बनाकर तैयार किया था, उसमें हमने नमक पहले से डाल रखा है। अब यहाँ पे हमने जो करी पत्ता प्रेस करके रखा है ना, इसको भी हम डाल दिए हैं। और नमक लास्ट में डालने से क्या होता है, कढ़ी हमारी फटती नहीं है। अब यहाँ पे हमने हींग, सरसों का तेल और कश्मीरी मिर्च, इसका हम लगाएंगे तड़का। इसका तड़का लगाने से कढ़ी में हमारे सोनापन बढ़ जाता है और बहुत ही टेस्टी लगती है और कलरफुल भी हो जाएगी और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि बहुत बच्चों को कढ़ी वगैरह खाना पसंद नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे जो करी पत्ता डालते हैं ना, वो क्रिस करके डालते हैं तो बच्चे